दो बड़ी अपडेट निकल करके आ रही है बिहार बोर्ड की तरफ से पहला अपडेट है ट्वेल्थ रिजल्ट को लेकर के दूसरा अपडेट है इंटर कॉलेज ट्रांसफ़र के लिए यहाँ पर जो भी इंटर में छात्र छात्रा पढ़ रहे थे उनका यहाँ पर ट्रांसफ़र करने के लिए ऑनलाइन शुरू हुआ था लेकिन उसके लिए एक बड़ी अपडेट निकल के आ रही है ये एक राहत कहा जा सकता है इंटर कॉलेज के छात्रों के लिए वहाँ पर क्योंकि यहाँ पर ये अपडेट में बताया गया है कि जो भी यहाँ पर आवेदन किए हुए हैं जो भी यहाँ पर एडमिशन ले चुके हैं इंटर में तो उनको यहाँ पर आपको कॉलेज ट्रांसफ़र करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है ये यह यहाँ पर एक नोटिस भी आया हुआ वो मैं आपको नोटिस भी दिखाऊंगा और ट्वेल्थ रिजल्ट से संबंधित क्या अपडेट है चलिए उसके बारे में भी हम आपको बताते हैं उससे पहले दोस्तों मैं आपको बता दूं कि इंटर टॉपर बनी यहाँ पर वैशाली की एक बेटी जो कि यहाँ पर मैं आपको उनका नाम भी यहाँ पर बताना चाहता हूँ उनका नाम है स्नेहा यादव ये स्नेहा यादव ही यहाँ पर वैशाली की हैं वैशाली की बेटी है जो कि यहाँ पर इंटर में इस बार टॉपर बनी हुई है आपको ये क्या लगता है ये टॉपर हैं या फिर नहीं कमेंट करके जरूर बताइएगा अभी पर दोस्तों उसके आगे की हम बात कर लेते हैं दोस्तों अगला अपडेट है यहाँ पर ट्वेल्थ रिजल्ट को लेकर के यहाँ पर ट्वेल्थ का रिजल्ट कब आएगा उसके बारे में बताएंगे इससे पहले दोस्तों मैं आपको बता दू कि ट्वेल्थ का रिजल्ट अभी यहाँ पर बहुत सारे लोग ऐसे वेबसाइट बता रहे हैं जिसमें कि यहाँ पर सिर्फ आपको अपना रोल कोड रोल नंबर फिल करना है ऑटोमेटिक यहाँ पर आपका डिवीजन बता दे रहा है लेकिन दोस्तों मैं आप भी आपको बता दूँ कि यहाँ पर ट्वेल्थ का रिजल्ट अभी नहीं आया हुआ है तो आपको हड़बड़ाने की कोई भी जरूरत नहीं है क्योंकि दोस्तों यहाँ पर जब भी ट्वेल्थ का रिजल्ट या फिर बिहार बोर्ड की तरफ से कोई भी अपडेट आता है तो वहां पर आपको ट्विटर पर यहाँ पर अपडेट मिलता है ट्वीट करके जब यहाँ पर ट्विटर पर अपडेट मिलता है कि हाँ आज इतने बजे से यहाँ पर आपका रिजल्ट आएगा तभी दोस्तों उसके वेबसाइट पर यहाँ पर रिजल्ट को पब्लिक किया जाता है लेकिन दोस्तों अभी आपको यहाँ पर रिजल्ट तो आया नहीं है तो आपको क्या करना है आपको आपको दूसरे वेबसाइट की ओर ध्यान नहीं देना है जब तक आपका ट्विटर से ट्वीट नहीं आता है जैसे ट्विटर पर ट्वीट आएगा मैं अपने वेबसाइट या फिर दोस्तों आपको टेलीग्राम चाहे या फिर व्हाट्सअप ग्रुप में मैं यहाँ पर आपको बता दूंगा नोटिफाई कर दूंगा तो आप टेलीग्राम व्हाट्सअप ग्रुप में ज्वाइन ज़रूर हो जाइएगा अब यहाँ पर दोस्तों आप सबसे बड़ी बात आती है कि आपका इंटर का रिजल्ट यहाँ पर कब आएगा कब आएगा यहाँ पर इंटर का रिजल्ट यहाँ पर दोस्तों पिछले साल यहाँ पर 21 मार्च तक यहाँ पर आपका यहाँ पर इंटर का रिजल्ट आ गया था 2000 हजार यहाँ पर तेईस में तो इस बार यहाँ पर दोस्तों उसी की संभावना है इक्कीस मार्च तक यहाँ पर आने की संभावना था लेकिन दोस्तों यहाँ पर ये इक्कीस तारीख से ज़्यादा हो गया आज यहाँ पर बाईस तारीख हो गया या अब यहाँ पर तेईस तारीख हो गया यहाँ पर दोस्तों बहुत सारे अपडेट आ रहे थे कि होली के यहाँ पर बाद यहाँ पर आपका होली से पहले यहाँ पर आपका रिजल्ट आने वाला है तो होली हमारा है पच्चीस तारीख को छब्बीस तारीख को तो लगभग लगभग दोस्तों यहाँ पर बाईस या फिर तेईस या फिर चौबीस तारीख इतने ही तीन डेट में आपका पर इंटर का रिजल्ट यहाँ पर आने वाला है लेकिन दोस्तों अभी तक कोई भी डेट कन्फर्म नहीं किया गया है तो इसके लिए दोस्तों ये आपको कन्फर्म यहाँ पर डेट कैसे मालूम चलेगा उसके लिए दोस्तों आपको यहाँ पर ट्यूटर ओपन करना है ट्यूटर ओपन करके और बिहार बोर्ड के ऑफिशियली ट्यूट को पढ़ना है जैसे ही वहां पर ट्यूट आ जाता है ये ट्यूट यहाँ पर 12 से लगभग 12 से चौबीस घंटे पहले यहाँ पर आपका ट्वीट आता है तो जैसे ही यहाँ पर ट्वीट आता आप समझ है आप समझिएगा कि अगले दिन यहाँ पर रिजल्ट आने वाला है सारी जानकारी दोस्तों अपने टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप में मैं आपको शेयर करते रहूँगा तो आप टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप को शेयर ज़रूर से ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा अब हमारा दोस्तों यहाँ पर ट्वेल्थ का रिजल्ट के लिए तो यहाँ पर मैंने टॉपिक को कवर कर लिया लेकिन दोस्तों अब यहाँ पर तु... यहाँ पर इलेवेंथ कॉलेज ट्रांसफर को लेकर के क्या अपडेट आ रहा है चलिए इसके बारे में हम आपको बता दें इसके लिए दोस्तों यहाँ पर ट्वेल्थ यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि इंटर के लिए एक नोटिस जारी हुआ है नोटिस क्या है नोटिस दोस्तों आप देख सकते हैं यही नोटिस है इस नोटिस में यहाँ पर बताया जा रहा है कि जितने भी छात्र छात्रा महाविद्यालय में इंटर में नामांकन लिए हुए थे उसमें यहाँ पर आपको कोई भी चेंजेज नहीं करना है पहले तो पर नोटिफाई नोटिफिकेशन आया था कि जितने भी पर ग्रेजुएशन कॉलेज यानी ये दोस्तों जिसमें ग्रेजुएशन का पढ़ाई या फिर उससे हायर पढ़ाई होता है उसमें अगर आप इंटर का पर एडमिशन लिए हुए थे तो आपको यहां पर इसको कॉलेज को ट्रांसफर करा, करा करके जिसमें सिर्फ इंटर का ही पढ़ाई होता है उसमें कराना था लेकिन दोस्तों अब यहां पर इस नोटिफिकेशन में बताया गया है कि आपको ऐसे करने की कोई भी जरूरत नहीं है क्योंकि दोस्तों इक्कीस तारीख से इसका पोर्टल भी शुरू कर दिया गया था लेकिन ये ऑनलाइन जो भी यहां पर स्टार्ट हुआ है यह अब यहाँ पर क्लोज कर दिया गया है यहाँ पर अब आपका कोई भी रजिस्ट्रेशन नहीं करना है ना ही आपको कॉलेज ट्रांसफर कराना है तो यही अपडेट थी आपको बिहार बोर्ड की तरफ से ये दोनों अपडेट आपको कैसी लगी वीडियो के नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा और भी इंटरेस्टिंग अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर बताए जरूर रखिएगा